हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी। हमारा जो क्लास टेंथ का लाइट टॉपिक चल रहा है उसके अंदर इससे पहले हमने पढ़े थे मिरर के बारे में, मिरर में इमेजेस कहाँ कहाँ पर बनती है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के अंदर। आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो डिफरेंट प्लेसेस पर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर 6 कंडीशंस बनती है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो पहला रखते हैं इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फाइनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फाइनिटी पर रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगी। तो सबसे पहले देखिए हम क्या बनाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस, और इस कॉन्वेक्स लेंस के अंदर सीधी क्या लगेगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर इसका जो फोकस होगा वो होगा F1 और दूसरा जो होगा 2F1, इसका फोकस होगा F2 एंड ये होगा 2F2। जब हम इन्फाइनिटी पर रखेंगे तो कोई भी रेज जो होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, और हमने पहले बताया था कि जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो इमेज कहाँ से निकलती है, रेज फोकस से निकलती है। तो इट मीन्स जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनेगी, F2 पर बनेगी। इस कंडीशन के अंदर हमारे साथ 3 कंडीशंस होती है इसके अंदर। पहली कंडीशन, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर बनी है, 8F2। सेकंड बनेगी साइज कैसी होगी, यहाँ पर F2 पर बनी है तो बहुत छोटी साइज होगी, इट मीन्स अपन बोल सकते हैं हाईली डिमिनाइज्ड। और थर्ड कंडीशन बनती है नेचर ऑफ इमेज आपको दिख रहा है कि रियल बनती हुई दिखाई दे रही है, दोनों रेज जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर क्या बनती है, इमेज बनती है, तो रियल है, और इस F2 से थोड़ी सी नीचे बनती है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। तो 3 चीज़ें होगी, पोजीशन होगी F2 के ऊपर, कब, जब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फाइनिटी पर रखा था, साइज हो जाएगी हाईली डिमिनाइज्ड, और नेचर ऑफ इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड कंडीशन चलते हैं, सेकंड कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, जब इन्फाइनिटी पर रखा था फर्स्ट टाइम पर तो सेकंड टाइम रखेंगे 2F2, 2F1 और इन्फाइनिटी के बीच में। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फाइनिटी एंड 2F1 के बीच में रखेंगे तब ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो देखिए ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, यहाँ पर बन जाएगा F2 और 2F2। तो इस कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रखा है, 2F1 एंड इन्फाइनिटी के बीच में। तो यहाँ से एक रेज जो जाएगी, फर्स्ट रेज जाएगी पैरेलल, और जो पैरेलल जाती है वो हमने बताया था कहाँ से गुजरेगी, F2 से। तो पैरेलल जो जाएगी वो F2 से गुजरेगी, और सेकंड जो इमेज जाती है, रेज जाती है, वो आती है ऑप्टिकल सेंटर से, और हमने बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर जो आती है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधी चली जाती है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। तो इससे एक इमेज जब हम ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं तो ये हमारे को कहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है, F2 एंड 2F2 के बीच में। इट मीन्स यहाँ पर क्या बनी है, इमेज बनी है, और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फाइनिटी और 2F1 के बीच में रखते हैं तब हमारे पास 3 कंडीशन आती है। पहली, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन कहाँ पर हुई, बिटवीन F2 एंड 2F2। सेकंड, साइज ऑफ इमेज क्या होगी, वेरी स्मॉल, इससे जो ऑब्जेक्ट है उससे बहुत छोटी है, इसलिए इसको लिख सकते हैं अपन स्मॉल। और थर्ड कंडीशन होगी नेचर ऑफ इमेज, इसमें भी देखिए नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो आपको जो रेज आ रही है वो डायरेक्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए जो इमेज कौन सी होगी, रियल। एंड
और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे नीचे की तरफ इमेज बन रही है तो कौन सी होगी? इन्वर्टेड, उल्टी होगी, इट मीन्स इन्वर्टेड इमेज होगी। तो दो कंडीशंस के अंदर एफ वन और इन्फाइनिटी के बीच में रखा तो नेचर का क्या हुई? रियल एंड इन्वर्टेड। और कहाँ पर बनी है? एफ टू एंड टू एफ टू के बीच में। थर्ड कंडीशन की बात करें, थर्ड कंडीशन के अंदर हम क्या करें? फर्स्ट बार हमने इन्फाइनिटी रखा था, सेकंड टाइम टू एफ वन और इन्फाइनिटी के बीच में, तो थर्ड कहाँ पर हो जाएगी? टू एफ वन पे। तो इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एट यार प्लेस्ड एट टू एफ वन, टू एफ वन पे जब रखते हैं तब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर एफ वन टू एफ वन, और यहाँ पर हो जाएगी एफ टू और टू एफ टू। इमेज को कहाँ पर रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं? हम टू एफ वन पर। तो टू एफ वन पर रखेंगे तो एक रेज जाएगी इसके पैरेलल, पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास होगी? एफ टू से। और सेकंड जो इमेज रेज जाएगी वो कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जाती जाएगी वो जहाँ पर मिलेगी वो प्लेस होगा टू एफ टू। इट मीन्स जब एफ टू एफ वन पे रखते हैं तो इमेज कहाँ पर बनती है? टू एफ टू पे। तो इसके अंदर वही तीन कंडीशन, फर्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन कहाँ पर है? टू एफ टू पर। सेकेंड साइज ऑफ इमेज, साइज कैसी होगी? इक्वल टू ऑब्जेक्ट, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतनी ही इमेज की साइज होगी। इट मीन्स यहाँ पर जो इमेज बन रही है उसकी साइज किसके इक्वल होगी? ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। तो सेम एज ऑब्जेक्ट, या इक्वल टू ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, सेम एज ऑब्जेक्ट। थर्ड कंडीशन, नेचर ऑफ इमेज, नेचर कैसी रहेगी? आपको दिख रहा दोनों रेज आपस में मिलती हुई दिखाई दे रही है, इट मीन्स कौन सी होगी नेचर? रियल। एंड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रही है, इट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर होगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो तीसरी कंडीशन के अंदर भी इमेज की जो नेचर है वो कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ कंडीशन की बात करें हम, तो फोर्थ कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट को हमने टू एफ वन पे रखा, अब इसके बाद इसकी प्लेस कहाँ पर होगी? एफ वन और टू एफ वन के मिड के अंदर। तो फोर्थ कंडीशन के अंदर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ वन एंड टू एफ वन, एफ वन और टू एफ वन के मिड के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर एफ वन, यहाँ पर टू एफ वन। जितनी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से एफ वन की होती है उतनी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से एफ टू की होती है, और उतनी डिस्टेंस किसकी होती है? टू एफ टू की। ये सारी डिस्टेंसेज जो होती है वो क्या होती है? सेम होती है। अब इसके अंदर कहाँ पर रखेंगे? एफ वन और टू एफ वन के मिड के अंदर। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, अब यहाँ से जो रेज जाएगी, एक रेज जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से पास होगी? फोकस से, ये होगी फोकस से। सेकंड जो इमेज जाएगी वो रेज जाएगी वो कहाँ से? फोकस से गुजरेंगे। तो फोकस से जो जाएगी जहाँ पर ये दोनों मिलेगी वहाँ पर क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स कहाँ पर मिल रही है? टू एफ टू और इन्फाइनिटी के बीच में। तो ऑब्जेक्ट को जब हम एफ वन और टू एफ वन के बीच में रखते हैं तब इमेज कहाँ पर बनती है? टू एफ टू एंड इन्फाइनिटी के मिड के अंदर। तो इसके अंदर वही तीन कंडीशन, पहली पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? बिटवीन टू एफ टू एंड इन्फाइनिटी। सेकेंड साइज ऑफ इमेज क्या होगी? यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट से इसकी साइज क्या दिख रही है? बड़ी दिख रही है, तो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट।
या फिर लार्ज भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट या फिर लार्ज। थर्ड कंडीशन कौन सी होगी, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। इसके अंदर भी नेचर देखिए, दोनों आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, इट मीन्स कौन सी बनेगी, रियल इमेज बनेगी, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है इसलिए इन्वर्टेड, तो नेचर क्या हुई, रियल एंड इन्वर्टेड। चार कंडीशन हुई। फिफ्थ कंडीशन के अंदर हम कहाँ पर रखेंगे, स्टुअर्ट टू और F1 के मिड के अंदर फोर्थ कंडीशन, और फिफ्थ कंडीशन के अंदर हम कहाँ पर रखेंगे, F1 पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो इमेज जो होगी वो कहाँ पर बनेगी उसके बारे में देखिए। फिफ्थ कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F1 पर जब रखते हैं तब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले हमने वही कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस, इसके साथ में ऑप्टिकल सेंटर, ये जितनी डिस्टेंस है F1 उतनी डिस्टेंस कौन सी होगी 2F1, और उतनी डिस्टेंस F2 एंड 2F2। अब हम कहाँ पर रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, F1 के ऊपर। जब F1 के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब एक रेज जो जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो कहाँ से, फोकस से गुजरेंगे, और सेकेंड जो है वो कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो वो क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर जो तीन कंडीशंस बन रही है, फर्स्ट पोजिशन ऑफ इमेज, अब देखिए यहाँ पर जब F1 पे रखा है तो फर्स्ट तो पैरेलल गई है वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, और सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो सीधे निकल जाएगी, इट मीन्स ये दोनों जो रेज है वो क्या जाएगी, एक दूसरे के पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल जाएगी तो कहाँ पर जाकर मिलेगी, इनफाइनिटी के ऊपर, इसलिए पोजिशन क्या होगी, एट इनफाइनिटी। सेकेंड साइज ऑफ इमेज, अब जब इनफाइनिटी पर मिलेगी तो साइज क्या होगी, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी वहाँ पर। और थर्ड होगी नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, अब यहाँ पर नेचर देखिए किस तरह की होगी, नीचे की तरफ बन रही है और इन्फाइनिटी पे जाकर मिलेगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड। इन पांचों कंडीशन के अंदर इमेज की जो नेचर होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होती है। सिक्स कंडीशन होती है उसके अंदर इसकी नेचर क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो सिक्स कंडीशन के अंदर हम कहाँ पर रखे देखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के मिड के अंदर। यहाँ पर देखिए F1 पर रखा था, F1 के बाद में ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखेंगे, तो सिक्स कंडीशन होगी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो देखिए ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसके अंदर ऑप्टिकल सेंटर के साथ में F1 2F1 और यहाँ पर F2 और 2F2। अब इस कंडीशन के अंदर इमेज को, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के मिड में कहीं पर भी रखते हैं। तो फर्स्ट जो रेज होगी वो कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से गुजरेगी, F2 से पास होगी, और सेकंड जो होगी वो कहाँ से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जब हम पीछे की तरफ, आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, पर जब पीछे की तरफ मिला के देखते हैं तब हमारे को ये मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। इट मीन्स जब हम F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब रखा है तो हमारी जो इमेज बनेगी वो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी। तो ये तो हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो सेम साइड उसी साइड के अंदर कहाँ पर इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट की तरफ में। तो फर्स्ट इसके अंदर हो जाएगी पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज क्या होगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट
सेकेंड होगा साइज ऑफ इमेज, साइज क्या होगी। अब देखिए ऑब्जेक्ट से साइज बड़ी दिख रही है तो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट या लार्ज लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। और थर्ड नेचर ऑफ इमेज, नेचर की बात करेंगे तो यहाँ पर पिछली जो पांचों इमेज बनी थी उनसे नेचर क्या होगी, डिफरेंट होगी। उन सभी के अंदर नेचर क्या थी, रियल एंड इन्वर्टेड, पर यहाँ पर क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पर हमारे को बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, पर जब हमने पीछे की तरफ मिलाया तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ पर इमेज बन रही, इसलिए कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बन रही है, इट मीन्स सीधी बन रही है, तो कौन सी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसके अंदर इमेज जो बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये था कॉन्वेक्स लेंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट छः कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट को हमने रखा तो डिफरेंट डिफरेंट सिक्स कंडीशन के अंदर क्या बनी, इमेज का फॉर्मेशन हुआ। देखते रहिए, लगातार बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।